अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर लंबे समय से चल रहा असमंजस शुक्रवार सुबह खत्म हुआ। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसमें अमेठी से किशोरी लाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने कहा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपने पारिवारिक सीट की जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मेहनत करूँ। मैं 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। मैंने राजीव गांधी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मेहनत करूँ। मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था। एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी गाँव में, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। 1983 में राजीव जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद उसे ऐसे हालात बनते गए कि मैं यहीं का यहीं रह गया। तो हमने सोनिया जी के सारे इलेक्शन लड़ाए, राजीव जी का सिर्फ 81 का छोड़ दो, उसके बाद के सारे इलेक्शन लड़ाए।